चने की दाल से बनने वाली ये चटनी बनाने में जितनी आसान है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस चटनी को रोटी पराठा, दाल चावल, इडली डोसा किसी के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही अमेजिंग लगती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ, मैं हूँ मेघा। तो चलिए देखते हैं इस चटनी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। आप इस चटनी को रिफाइन ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन सरसों तेल में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम लेंगे चना दाल, जिसको बंगाल स्प्लिट ग्राम कहा जाता है, और इस दाल को अब हम मीडियम फ्लेम में भून लेंगे जब तक कि वो हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। तो लगभग आपको 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और दाल अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा दाल अच्छे से रोस्ट हो चुका है। इसको ठंडा करके अब हम एक चटनी ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये चटनी बनाने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है। इसमें अब हम डालेंगे सूखी हुई मिर्च, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और डालेंगे इसमें 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। इसमें जाएगा टेस्ट के हिसाब से नमक, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे एक बार। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको पीसा है और दाल पाउडर बन चुका है। अब हम इसमें पानी दे के एक पेस्ट बना लेंगे। तो पानी आप हल्का हल्का पहले डालें और जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही डालें। तो मैंने लगभग यहाँ पे 1 कप से थोड़ा कम पानी यूज़ किया है और मेरी चटनी अच्छे से पीस गई है। ये देखिए, इस तरीके से आपको टेक्सचर चाहिए, बिल्कुल स्मूथ एंड सिल्की। अब इसमें हम डालेंगे 1 नींबू का रस, आप यहाँ पे विनेगर भी डाल सकते हैं, और इसको एक बार फिर से पीस लेंगे। तो लीजिए, हमारा चना दाल का चटनी बन के बिल्कुल रेडी है। इसमें हमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है और आप इस चटनी को एंजॉय कर सकते हैं अपने रोज़ के रोटी दाल चावल या डोसा इडली के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो इस चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप ऐसे और मज़ेदार चटनी की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप कोई स्पेशल रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, हम वो रेसिपी ज़रूर अपने चैनल में दिखाएंगे। और ऐसे ही और रेसिपीज़ देखने के लिए हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए, हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, और हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। इस चटनी को डेकोरेट करने के लिए मैंने ऊपर से हल्का सा सरसों का तेल दिया है जो कि कच्चा है, और ऊपर से डालेंगे चिली फ्लेक्स इसको और खूबसूरत बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।